सब्सक्राइब और बेल का दबाया क्या? नहीं दबाया? अरे दबाओ ना। क्या हुआ बेटे, ऐसे क्यों सो रहा है? डैड थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। अरे तुझे तेज बुखार है? नहीं डैड, आई एम फाइन। अरे ऐसे कैसे फाइन? अभी रुको, डॉक्टर को कॉल लगाता हूँ। नहीं डैड, उसकी जरूरत नहीं है, मैं दवाई ले लूंगा, ठीक हो जाऊंगा। अरे तुम ऐसे ही बस दवाई के चक्कर में ना और भी मार पड़ोगे, और झेलना मुझे पड़ेगा। रुको मैं, हेलो हॉस्पिटल, आई नीड एन एम्बुलेंस राइट नाउ विद इन 5 मिनट्स, इट्स वेरी अर्जेंट प्लीज। बेटे तुझे कुछ नहीं होने दूंगा, पूरा पैसा पानी की तरह बहा दूंगा, लेकिन तुझे एक भी आंच नहीं आने दूंगा। तू बस थोड़ी देर वेट कर, एम्बुलेंस को आने दे। अबे कंजर की औलाद, अभी तक सोया हुआ है, दुकान नहीं जाना है क्या? पापा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आज मैं दुकान नहीं जाऊंगा। तबीयत ठीक नहीं है, बहाने का मार, चल दुकान। पापा मैं नहीं रहा, तबीयत ठीक नहीं। तबीयत ठीक नहीं, अबे तेरी तो सही में तबीयत खराब है। पापा बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, डॉक्टर के पास जाइए। अबे हट डॉक्टर, तेरा बाप किसी डॉक्टर से कम है? अच्छा जगह बीमारी का इलाज किया है मैंने, रुक अभी। A few moments later. अबे आओ नालायक, उठ ये ले खा, और एक घंटे में दुकान जा। क्रॉसिंग, और वो भी आधी? अबे तो तेरी आधी तबीयत खराब है, पूरी का हुई है। हर वक्त क्रॉसिंग, जब भी बीमार हूँ क्रॉसिंग, खांसी हो तो क्रॉसिंग, जुखाम हो तो क्रॉसिंग, यहाँ तक कि पिछली बार मुझे दस्त हुए थे जब भी हमने क्रॉसिंग नहीं खिलाई थी। खुद को जो बवासीर है उसका इलाज तो सरकारी अस्पताल में कराते हो, मुझे तो उधर नहीं लेके जाते। खाएगा नहीं तो भी चप्पल खिलाऊंगा तुझे, चप्पल। A few moments later. अरे यार इतना काम पेंडिंग बड़ा है, भूख भी लगी है, क्या करूं समझ नहीं आ रहा, खाने का सामान होगा घर पे नहीं होगा। पिज्जा कैसे लाया? ओह वाओ कूल पिज्जा, वो भी चीज बस, अरे मजा आ जाएगा। अरे तूने खा लिया क्या पिज्जा? सॉरी यार बहुत गंदी भूख लगी थी। चल मैं तेरे लिए ना ऑनलाइन ऑर्डर कर देता हूँ। अरे रहने दे, वैसे भी मेरा इतना मन नहीं था। चल कहीं बाहर खाना क्या कहते हैं ना? अरे नहीं यार मेरा पेट बहुत भर चुका है, मेरे को खाने का बिल्कुल भी मन नहीं है अब। अबे चल तेरा पेट कभी भरते हैं, चल किसी अच्छी जगह खा के आते हैं। चल तू बोल रहे तो चल लेते, बट हाँ इस बार हयात नहीं जाएंगे यार, लास्ट टाइम बहुत गंदा खाना था यार वहाँ पे। ठीक है भाई, मेरी एक शर्त है, लेकिन बोल इस बार पैसे मैं दूंगा क्योंकि मैंने तेरा खाना खाया। यार तू कभी मुझे पैसे देने क्यों नहीं देता है? भाई मार 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 मार, अरे एक नंबर भाई, क्या कर रहा है यार? अरे पीछे से, अरे भूख लग रही है, क्या करूं भाई? ऐसा कर मेरे को कवर कर, मैं एक मिनट आता हूं, ठीक है? अरे यार क्या कर रहा है यार, नॉक हो गया यार, अरे रिवाइव कर, रिवाइव कर जल्दी कर यार। रेड वेलवेट, अरे मत कर मत कर मत कर मत कर, छोड़ दे। A few moments later. फ्रिज में मेरा रेड वेलवेट केक था, वो तूने खाए? वो तेरा केक था वो? अरे भाई साहब क्या मस्त टेस्टी केक था यार, जिंदगी में वैसा केक नहीं खाया। थैंक यू यार। अबे भोपड़ी इधर 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 इधर
अब खा केक, तुझे बहुत केक खाने का शौक था ना, बता क्यों खाया मेरा केक, बता, बोलता क्यों नहीं है, बोल, 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 अब मैं बोल ना, चुप के, अबे पट्टी तो हटाई नहीं, मैं भोसड़ी का खोल लेता तब तो बताऊंगा। हाँ ठीक है, एक तो केक खा लिया ऊपर से जबान लड़ा रहे, भोसड़ी की तरह कभी बाप दादा ने भी रेड वेलवेट खाए? अबे तो तेरे बाप दादा ने कौन सा खाया होगा? चल मिर्च से जबान लड़ाते, मिर्च से जबान लड़ाते, आज तेरे को मैं रेड वेलवेट खिलाऊंगा, आज खिलाऊंगा तेरे को रेड वेलवेट, ये ले, ये ले, रेड वेलवेट खाएगा ना, और ये तुझे कितना खून बह रहा है, तुझे कोई परवाह है कि नहीं है? पर डैड वो आपकी ड्रीम कार थी। बेटे मेरा ड्रीम तू है, गाड़ी नहीं, गाड़ी तो 100 आ जाएंगी, बेटा कहाँ से लाऊंगा मैं दूसरा? मैं ठीक हूँ डैड। अरे कोई नहीं, चल तुझे डॉक्टर को दिखाता हूँ, चल। आई एम फाइन, आप खामा खा इतनी चिंता करते। बेटा तेरा बाप हूँ मैं, सब जानता हूँ, क्यों उसे बहाने मारा, चल। अबे ये क्या हो गया, बना के रखा है? पापा वो आपकी स्कूटर है ना, उसका एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट? हाँ मेरी बात तो सुनो, मैं रास्ते से जा रहा था, रास्ते में कुत्ता आ गया, मैंने सोचा स्कूटर बचाऊं या कुत्ता बचाऊं, स्कूटर बचाऊं या कुत्ता बचाऊं, स्कूटर बचाऊं या कुत्ता बचाऊं, ये सब आपके खटास स्कूटर की गलती है जिसमें ब्रेक ही नहीं है, मैंने ब्रेक लगाई वो लगी नहीं और मैं गिर गया। तो चोट तो नहीं लगी ना? हाँ वो बहुत चोट लगी है। अबे तेरे नहीं स्कूटर की बात कर रहा हूं मैं, वो तो टूट गई, उसको भूल जाऊं, मैं भूल जाऊं, अरे इतने साल मेहनत की लगी उसे बनाने में, मेरे बाल झड़ गए, अबे हां बाल झड़ गए, लेकिन तूने एक मिनट में उसे सब बर्बाद कर दिया, तुझे पैदा करने में उतनी मेहनत लगी जितने उसे खड़ा करने में मुझे लगी। वैसे भी 20 साल पुरानी खटार स्कूटर थी। अबे तुझसे तो बेहतर थी ना, तू है किसका बक्का का नकाश का दुश्मन है राज का। आपको मेरे से ज्यादा उस खटार स्कूटर की परवाह है? स्कूटर तो आप 100 खरीद लोगे लेकिन बेटा तो सिर्फ एक ही होता है। तेरे जैसी तो 100 औलादें पैदा कर दूं लेकिन स्कूटर कहां से आएगा? अबे देख क्या रहा है, तेरे बाप में अभी भी पावर है, तेरे जैसी 100 पैदा कर सकता है, अब देख क्या रहा है। अबे चोट तो तुझे वहां लगी, नाना क्यों कर रहा है, Hey guys, thank you for watching this video. और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। भाई कुछ बोलेगा? चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और हाँ घंटे का बटन भी जरूर दबाएं, नहीं तो जो हाल इसका क्या? So guys, जाओ हमारे फेसबुक इंस्टा पेज को फॉलो करो और ऐसे प्यार देते रहो और भाई थोड़ा सा वीडियोज देखना शुरू करो यार। बाकी चलो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, बाय।